हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नीओप्लास्टिक वायरस इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नियोप्लास्टिक प्लास्टिक वायरस नहीं है नियोप्लास्टिक प्लास्टिक वायरस मीन्स हमें इन ऑप्शन में से ऐसा वायरस ढूंढना है जो कैंसर को नहीं करता ऑप्शंस हैं साइटोमेगैलो वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज माय डियर स्टूडेंट्स इन ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी वायरस माय डियर स्टूडेंट हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है ओके ऑप्शन सी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत सारी वराइटी के कैंसर करता है माई डियर स्टूडेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है एनोजेनाइटल कैंसर करता है लेरिंजियल कैंसर करता है ओके okay? तो यहां पर इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ए साइटोमेगेलो वायरस इज नॉट ए न्यूप्लास्टिक वायरस ओके माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम थोड़े और ऐसे वायरसेस के बारे में बात करेंगे जो नियोप्लास्टिक हैं जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस नियोप्लास्टिक है ओके हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है एनोजेनाइटल कैंसर करता है लेरेंजियल कैंसर करता है इनके अलावा हम कुछ और नियोप्लास्टिक वायरस डिस्कस करेंगे जैसे बार वायरस इी वी एपिस्ट बार वायरस माइंडियर स्टूडेंट एपिस्ट बार वायरस बर्किट लिम्फोमा करता है एंड नॉन है। इसके अलावा एक वायरस और हम डिस्कस करेंगे एच एच वी एट ह्यूमन हर्पीज वायरस एट माइडियर स्टूडेंट ह्यूमन हर्पीज वायरस एट कैपोसी सार्कोमा करता है प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा करता है एंड मल्टी सेंट्रिक कैसलमेंट डिसीज करता है ओके माय डियर स्टूडेंट्स तो हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर एनोजेनाइटल कैंसर लैरेंजियल कैंसर करता है एस टी एल वी वन वायरस एडल्ट टी सेल्यूकेमिया करता है एपिसन बार वायरस हॉजकिस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा करता है बर्किट लिम्फोमा करता है एंड नेजो फेरेंजियल कार्सिनोमा करता है एंड एच एच वी एट ह्यूमन हर्पीज वायरस एट कैपोसीसार्कोमा करता है और इसके अलावा प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा करता है एंड इसके अलावा मल्टी सेंट्रिक एसलमेंट डिसीज करता है ओके माई डियर स्टूडेंट सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू